नमस्कार, मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं जीपीसी प्रतापगढ़ में सिविल में लेक्चरर हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपने अप्लाइड मैकेनिकल सर्विस का यूनिट वन का टॉपिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, मतलब विभिन्न प्रकार के बल कौन कौन से होते हैं। तो ये है अपने यूनिट वन का, यूनिट वन जो है फोर्स उसका टॉपिक है विभिन्न प्रकार के बल। इसमें हम बलों के तो अलग अलग प्रकार है जो पढ़ने का है। मुख्यतः तीन प्रकार के बल होते हैं। पहला बल होता है अपने तनाव बल, जिसको अपन टेंशन फोर्स कहते हैं। दूसरा बल होता है अपने पास संपीड़न, जिसको अपन कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। तीसरा प्रकार का बल होता है अपने शियर फोर्स, जिसको अपन कर्तन बल कहते हैं। और भी अनेक प्रकार हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, मेनली तीन होते हैं। टेंशन फोर्स तनाव बल। दूसरा होता है कंप्रेशन फोर्स। तीसरा टाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं शियर फोर्स। जो चौथा टाइप होता है उसमें हमें बताते हैं जैसे ये पहले आपको ये लिखवा रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप फोर्सेस क्या हैं, उनको फिर आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसे आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, परिणामी बल, और एक कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम सामर्थ्य का। ये अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वैसे तो कई सारे होते हैं पर मेनली ये है आपके तीन हैं, और चौथे में जो ये मुख्य मुख्य ये बता दें अपने को, उनकी अपने को डिटेल में स्टडी कर लीजिए। तो इसमें पहला बल अपने में टेंशन बल, टेंशन फोर्स जो क्या होता है, तनाव बल क्या होता है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टेंशन फोर्स क्या होता है वो अपन स्टडी करने वाले हैं। तो पहला है अपने टेंशन फोर्स। तनाव
तनाव का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु में अपन तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, टेंशन उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? देखो आप, जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसमें अपन इसमें टेंशन उत्पन्न करेंगे। टेंशन उत्पन्न करेंगे मतलब इसमें दो समान परिमाण की मैं बल लगा रहा हूं। ये इसका परिमाण F है, इसका भी F है, दो सेम लगा रहा हूं। मान लो कि मैं इसको जो दोनों स्विचेस को ऐसे खींच रहा हूं, टेंशन दे रहा हूं उसमें, खींच रहा हूं इसको, है ना, क्या होगा खींचने से? खींचने से क्या होगा? खींचने से मान लो कि ये रबड़ वाला जो है, रबड़ की तरह है, तो ये खींचने से ये ऐसे बढ़ेगा ना। देखो मान लो पहले मैं पोजिशन, तो ये इसकी जो लंबाई है बढ़ जाएगी, मतलब खींचने से बढ़ जाएगी, पर ये जो उसकी जो ये इसका जो मोटापन है वो कम हो जाएगा। मतलब इसका जो अपन व्यास कहें, डायमीटर कहें, या फिर इसकी ऊंचाई कहें, वो जो है वो कम हो जाएगी, इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगा नहीं। तो ये जैसे मान लो पहले ये इसकी जो है ये एल था, एल पोजिशन में था, इसको खींचने के बाद में जैसे इसी में मैं बता देता हूँ आपको कि अपन खींचेंगे मान लो इस तरह से, तो माना कि पहले ये ऐसे था, अब मैं इसको खींच रहा हूं इन बलों से, बाहर का समान परिमाण से ऐप से खींच रहा हूं, तो ये इस तरह से इसकी पहले लंबाई ये थी, तो ये कितनी लंबाई तक बढ़ गया? यहां तक बढ़ गया, ये यहां तक है ना, तो ये लंबाई इसकी एल बेस हो गई, तो ये इसकी लंबाई बढ़ गई ना। और क्या हुआ, इसका जो ऊंचाई है, ये पहले इतनी ऊंचाई थी, अब कितनी ऊंचाई रह गई? ये वाली रह गई। तो इसकी जो मान लो कि अपन ने इसकी एच या डायमीटर जो भी आपको, एच जो है पहले ये थी, एच थी, ये वाली एच थी, तो अब ये कितनी रह गई? ये वाला हिस्सा, ये इतनी रह गई, पहले ये थी यहां से लेकर यहां तक, अब ये यहां तक रह गई, ये एच बेस। तो इसमें क्या परिवर्तन आया? इसमें तनाव टेंशन फोर्स की वजह से दो परिवर्तन आ गए, इसकी लंबाई बढ़ गई और एक इसका जो व्यास है या इसकी ऊंचाई है वो घट गई। तो तनाव बल में क्या होता है? तनाव बल के कारण इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु को समान परिमाण दो बलों द्वारा खींचा जाता है तो क्या होगा? अब इसको खींच रहे हैं ना, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि खींचने से थी, तो इस इन बलों के कारण इन बलों के कारण इसकी लंबाई बढ़ जाएगी एवं इसका व्यास
या ऊंचाई घट जाएगी। अर्थात इसमें टेंशन उत्पन्न होगी। तो ये पहले एक टाइप का आपको समझ में आया कि कैसे ये इसमें इसका टेंशन का इफेक्ट पड़ा। तो ये पहले प्रकार का बल होगा। अपन आप दूसरा पॉइंट करेंगे, दूसरा जो प्रकार है इसका वो है कंप्रेशन। ये दोनों जो है विपरीत, आपस में विपरीत की नेचर है। एंड ये कंप्रेशन फोर्स जो इसको अपन संपीड़न बल कह रहे हैं, जैसे अपने टेंशन में पड़ा कि अपन उसको खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और दूसरा क्या होता है उसमें कि उसका जो है ऊंचाई है, हाइट है, या डायमीटर जो है व्यास है वो कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसका आप उदाहरण देखो कि जैसे कोई ये वस्तु है, कंप्रेशन होना है, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं इसको, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो ये दो बल में समान परिणाम परिमाण के जो है इस पर लगा रहा हूँ, कंप्रेस करना है ना, इसलिए इसको दोनों बलों में इस तरह से लगा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ इसको। तो दबाने से क्या होगा, देखो दबाने से ये होगा कि पहले इसकी प्रारंभिक, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये अब मैं इसमें जैसे कंप्रेसर अप्लाई करूंगा, वैसे वैसे क्या होगा ये तो पहले ऐसे है, तो मैं इस ये बल लग रहा हूं, तो आप सोचो इसको मन में कि क्या होगा, ये मैंने बल लगाया था इसमें, तो इसके कारण क्या है, दब जाएगा मतलब इसको दिमाग में सोचो कि दबने से क्या होगा, ये उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा और इसकी लंबाई कम हो जाएगी, दबेगा तो लंबाई कम होगी ना, तो पहले मान लो कि इसकी लंबाई L थी, अब क्या हो जाएगी, ये L है, ये L से कम हो जाएगी ना, ये L, ये डेस L डेस कम हो गई ना लंबाई, पहले दब रहा है तो अब लंबाई कम होगी, और इसकी जो पहले जो है हाइट है वो एच, तो अब ये यहां तक बढ़ गया ना, पहले यहां से यहां तक था, यहां से यहां तक देखो, अब यहां से यहां तक हो गया, तो ये एच बेस, ये एच और ये एच बेस, यहां तक बढ़ गया ना, ये यहां तक इसको दबाया, आपने दबाया तो ये ऊपर की तरफ बढ़ गया और लंबाई इसकी कम हो गई, ये इसकी लंबाई आया, ये समझ में कि अपन कंप्रेशन में क्या हुआ कि दब रहा है तो इसकी ऊंचाई बढ़ गई, दब रहा है तो इसकी लंबाई, दब रहा है तो लंबाई कम हो गई, तो इसमें क्या होगा जब हम किसी वस्तु पर, इसमें भी सेम है, बस उल्टा कर उल्टा केस हो गया, समान परिमाण के बल लगाने पर, इसकी लंबाई समान परिणाम बल लगा रहे हैं,
हिस्ट्री में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा इसकी, इसकी जो है लंबाई घट जाएगी, इसकी लंबाई घट जाएगी एवं ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे बलों को संपीड़न बल कहते हैं। आए समझने कि पहले जो है ये वस्तु की स्थिति है कि इस पे अपन दो बल लगा रहे हैं, दो बल कंप्रेस करने के लिए लगा रहे हैं। तो ये इसको कंप्रेस होगा तो क्या होगा, इसकी जो है पहले जो है लंबाई में तो ये कंप्रेस कर दब जाएगा तो इसकी लंबाई कम हो गई, लंबाई कम हो गई और ये ऊंचा उठ गया, तो ये अपना कंप्रेशन फोर्स कहलाता है। तीसरा प्रकार है बलों का, वो है शियर फोर्स। इसमें क्या होता है कि जो दो बल हैं वो किसी पिंड पे लगते हैं ना, वो समान जो है परिमाण के होते हैं पर वो दोनों विपरीत दिशा में लग रहे होंगे, है ना। किसी जो पिंड पे है वो जो बल लग रहा है वो ना उसके जो उसको पिंड को जो स्पर्श कर रहा है और वो उसके जो है समान परिमाण का है विपरीत दिशा में लग रहा है। तो जैसे आप ये देखो कि जैसे ये कोई पिंड है, सेम कंडीशन ही ले रहे हैं कि एक पिंड ले रहे हैं और उसपे जो है दो बल लग रहे हैं समान बल पर विपरीत दिशा में। जैसे मान लो कि ये एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लगता है, ऐसे एक बल ऐसे लगता है, समान परिमाण परिमाण हो गए, परिमाण है ना, और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्पर्श करते हुए बल लग रहे हैं, इससे क्या होगा कि ये इनकी जो है इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। वो परिवर्तन कैसे होगा, ये होगा कि ये यहाँ बल लग रहा है, इसकी स्पर्श करता हुआ लग रहा है, ये थोड़ा सा इधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, मतलब ये देखो इस तरह से ये इस तरह से ये इधर कैसे गया और ये ऐसे किसे गया, तो ये वाला हिस्सा ये नीचे किसे गया, मतलब साइड में इधर स्लाइड हो गया। इसकी स्थिति में इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा। अपने एक बल लगाया था, ये इधर लगाया था, ये इधर लगाया था और एक इधर लगाया था, ये इधर लगाने से क्या है, ये इधर किसक गया, इधर किसक गया, ये इधर लगाने से ये क्या, ये ऊपर किसक गया, है ना। तो ये जो है एक कोण पे विस्थापित होता है, थीटा कोण पे विस्थापित हो गया बराबर, ये इनका परिमाण था वो बराबर था, दोनों का जो परिमाण बराबर है और ये इस पिंड जो है, ये वस्तु है, इसकी जो है सतह को स्पर्श करते हुए लग रहे हैं, तो ये समान परिमाण के जो बल हैं वो विपरीत दिशा में लग रहे हों तो वो थीटा कोण से विस्थापित हो जाते हैं, तो ये अपना जो है शियर फोर्स कहलाता है।
वस्तु पर समान परिमाण के दो या अधिक बल करते हुए एवं परस्पर विपरीत दिशा में लगने हुए तो पिंड है पिंड थीटा कोण से विस्थापित हो जाता है ऐसे बल कर्तन बल लगा है ठीक है ये आपको किस तरह समझ में है कि ये कोई वस्तु थी उसके जो है दो बल लग रहे हैं दो बल लग रहे हैं इसको स्पर्श करते हुए लग रहे हैं और इसके जो ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं परस्पर विपरीत दिशा में एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है तो इससे इसकी जो स्थिति में क्या चेंज होगा कि ये जो है पिंड है जो ये है थीटा कोण से विस्थापित हो जाएगा दोनों बलों के समान बलों के विपरीत दिशा में लगने के कारण ऐसे बल क्या होगा इस तरह का जो बल होते हैं वो कहलाते हैं कर्तन बल बलों के तीन टाइप अपन ने पढ़ लिए पहला बल क्या था कि इसमें तनाव बल था मतलब टेंशन उत्पन्न हो रही है मतलब खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई बढ़ रही थी और क्या घट रहा था उसका उसकी ऊंचाई या व्यास घट रहा था और दूसरे बल में क्या था उसका विपरीत केस हो गया वो कि कंप्रेस कर रहे हैं दबा रहे हैं तो उसकी क्या लंबाई कम हो गई और क्या बढ़ा उसका उसकी ऊंचाई बढ़ गई। तीसरे केस में क्या है कि ये कर्तन बल में कि अपन जो कोई वस्तु है उस पर दो बल लग रहे हैं वो समान बल है पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो वो उस पिंड को थीटा कोण से उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देंगे। अब जो है चौथा टाइप है वो अन्य बलों में आता है। पहला है आकर्षण बल में क्या होता है कि आकर्षण बल होता है कि कोई जब कोई बल है वस्तु को जो है आपस में अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है तो वह बल आकर्षण बल होता है। जैसे आपने चुंबक देखी है चुंबक में होता है कि दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ अगर ये दोनों सिरे जो है नॉर्थ होते हैं तो ये प्रतिकर्षण हो जाता है दोनों सिरे अगर विपरीत हैं तो ये आकर्षण उत्पन्न करेंगे। तो जब किसी बल के द्वारा जो है वस्तु आकर्षित होती है तो वो आकर्षण बल कहलाता है।
करते हो तो वे आया समझ में कि जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि चुंबक चुंबक का ये उत्तरी सिरा ये दक्षिणी सिरा, ये चुंबक का दक्षिणी सिरा ये उत्तरी सिरा, तो ये दोनों सिरे जो विपरीत हैं, तो विपरीत है तो ये इसको आकर्षित करेंगे, ये इधर आकर्षित करेगा ये इधर आकर्षित करेगा, मतलब इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। दूसरा जो प्रकार है वो है प्रतिकर्षण बल, ये बल क्या होते हैं, ये सेम है पर ये मतलब ये जो है प्रतिकर्षित करने का प्रयास करते हैं। सेम उदाहरण है चुंबक का, चुंबक के दोनों पोल जो है सेम होंगे तो वो आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हो, प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हो। ये दोनों टाइप समझ में आ गए, अपन इसका एक और टाइप बदलेंगे। आकर्षण प्रतिकर्षण समझ में आ गया ना कि एक जो है साउथ पोल होता है एक नॉर्थ पोल होता है, तो वो आपस में आकर्षित करेंगे और दोनों तरफ जो है नॉर्थ पोल हुए तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। एक और होता है परिणामी जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट पोल, रिजल्टेंट पोल आया समझ में कि रिजल्टेंट पोल का क्या होता है कि जब किसी वस्तु पे मतलब दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो जो उन बलों का जो है वह बल जो उनके सदिश योग के बराबर होता है वो कहलाता है उनका परिमाणी। जब किसी अधिक बल कार्य कर रहे हो तो वह बल जो परिणामी बल लगाता है मतलब किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो है ना, तो वह बल जो उनके सदिश योग के बराबर होता है वो उनका परिणामी बल कहलाता है। तो ये परिणामी बल की परिभाषा होती है।
जैसे मान लो कि दो बल है ये, तो ये तीसरा बल कोई मान लो कि ये इधर है, तो ये अगर इनके सदिश के दो बल है पी क्यू है ना, तो इनका जो परिणामी है वो इनके सदिश योग के बराबर होगा, मतलब पी प्लस इस तरह से, ठीक है ना। मतलब ये उदाहरण है इस तरह का कि इस तरह से ये इस तरह से हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, पर वो जो है ये परिणामी है वो एक ही होगा, मतलब कहीं बल लग रहे हो पर परिणामी एक ही होगा, जैसे ऐसे कहीं भी लग रहे हो मान लो, पर उसका जो एक परिणामी बल होगा वो उनका जो है सब बलों का जो है सदिश योग के बराबर होगा। किसी जो है पिंड में दो या दो से अधिक जो है बल लग रहे हो, तो उन बलों का जो है जो प्रभाव होता है वो समान हो, इस तरह से हो कि वो जो है जो पिंड है वो विस्थापित ना हो पाए, वो जो बल उनके बीच में कार्य करेगा उसको कहते हैं अपन इक्विलिब्रियम फोर्स।